तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉगर में लेबल और सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होता है और इसके अंदर में क्या कीवर्ड डालना पड़ता है, वह सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो कर देना लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है सर्च डिस्क्रिप्शन जो है दो जगह पे डलाता है, ठीक है। तो पहला तो जो है पोस्ट के अंदर में डलाता है और एक तो आपका जो वेबसाइट होता है तो उसके अंदर में डलाता है, ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर में कहाँ पे डलाता है, कैसे डलाता है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो चीज़। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि नीचे की ओर आएंगे और यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है मेटा टैग सर्च डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है और यहाँ पे हम करेंगे क्या कि नीचे की ओर आएंगे फिर, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें वो ऑप्शन मिलेगा, ठीक। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मेटा टैग का ऑप्शन है और इसको जो है सबसे पहले ऑन कर लेना ज़रूर, ठीक है। इसको ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पोस्ट के अंदर में जो है आपको सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। अगर पोस्ट के अंदर में सर्च डिस्क्रिप्शन दोगे तो ऐसे में आपका पोस्ट वायरल होगा। तो यहाँ पे भी सर्च डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। अब ये सर्च डिस्क्रिप्शन होता क्या है कि मैं बता दूं कि आपका ब्लॉगर चाहे जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, चाहे अर्निंग से रिलेटेड है या न्यूज़ से रिलेटेड है या चाहे शायरी है या स्टेटस है, चाहे कुछ भी हो, तो आपको जो है करना क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल पर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आपको अपने वेबसाइट का नाम या चाहे अर्निंग से रिलेटेड है तो वो जो है आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि लिख के आ चुका है। तो चलिए मैं पहले वाले कीवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्च हो गया। सर्च होने के बाद नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे ये सभी के सभी जो है कीवर्ड हमें मिल जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को जो है गूगल पे लोग सर्च करते हैं, जैसे कि ट्रस्टेड ऑनलाइन अर्निंग साइट्स, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान। तो हम अगर इंडिया से है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी डाल सकते हैं पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है इंडियन वीडियो को भी देखते हैं और पाकिस्तान के भी वीडियो को इंडिया के लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट फॉर स्टूडेंट, ऑनलाइन अर्निंग ऐप, ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट, ऑनलाइन अर्निंग जॉब, तो ये सब कीवर्ड है। तो अगर आप जो है इनको डालते हो यहाँ पे आप मेटा टैग के अंदर में, तो होगा क्या कि ऐसे में जो है आपका जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से वैसे डाल रखा हूँ ब्लॉगर टिप्स, यूट्यूब टिप्स, ऑनलाइन अर्निंग, फेसबुक टिप्स, इंस्टाग्राम टिप्स, ट्विटर टिप्स, ब्लॉगर थीम, टेक न्यूज, ऐप रिव्यू। तो मेरे ब्लॉग के अंदर जो जो चीज़ है वो मैं डाल रखा हूँ। बाकी मैंने दोनों तरीका बता दिया कि एक तो आप जो है सर्च इंजन में सर्च करके आप यहाँ पर डाल सकते हो मेटा टैग सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में, और दूसरा तो अगर आप अपने ब्लॉगर के अंदर में कुछ भी दिखाते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेटा टैग सर्च डिस्क्रिप्शन ये चीज़ होता है, तो इसको जो है ज़रूर आप सेट करके रख लेना, ठीक है। ऐसे में होगा क्या कि सर्च इंजन में आपका जो वेबसाइट है वो जाएगा और बाकी पोस्ट का जो होता है सर्च डिस्क्रिप्शन वो अलग होता है। यहाँ पर आप जो है एनेबल करोगे सर्च डिस्क्रिप्शन तभी जो है पोस्ट के अंदर में दिखेगा। तो यहाँ पे जो है ऑन कर लेना। अब चलिए दिखाते हैं पोस्ट के अंदर में सर्च डिस्क्रिप्शन होता क्या है और लेबल क्या होता है। तो यहाँ पे हमने बैक हो गया। बैक होने के बाद अगर आप यहाँ न्यू पोस्ट पे क्लिक करके कोई सा भी पोस्ट लिखते हो तो यहाँ पे पोस्ट लिखने का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही मैं पोस्ट लिख रखा हूँ। तो चलिए यहाँ पे करूँगा क्या कि मैं किसी एक पोस्ट को ओपन करूँगा, तो इसको ही ओपन कर लेता हूँ, पहले वाले ही पोस्ट को। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पोस्ट ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले आपको जो है टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको पोस्ट लिखना है, जो भी पोस्ट के बारे में लिखना चाहते हो वो लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे लेबल आपको देना है। अब लेबल क्या चीज़ होता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए लेबल के बारे में समझिए, लेबल एक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे आप जो है ग्रुप बनाते हो, टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बनाते हो, तो वहाँ पे होता क्या है कि वो ग्रुप सिस्टम होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है लेबल का ऑप्शन है।
तो लेबल का जो ऑप्शन है, तो ये जो हम पोस्ट लिखे हैं तो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है अर्न मनी ऑनलाइन इन हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पोस्ट अर्निंग से रिलेटेड है, कितना होता है कि थीम से रिलेटेड होता है, कितना ब्लॉगर से रिलेटेड होता है, कितना जो इंस्टाग्राम जो टिप्स होता है उससे रिलेटेड होता है, कितना जो पोस्ट होता है टेक न्यूज़ से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो है हमने अलग अलग प्रकार का जो है क्या कर रखा है कि लेबल बना रखा है, लेबल और कैटेगरी दोनों एक ही चीज़ को बोला जाता है। तो जैसे कि ये पोस्ट जो है हमारा अर्निंग से रिलेटेड है, तो हम इसका लेबल दे रखे हैं ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। अगर आपका जो शायरी से रिलेटेड होगा तो शायरी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन कौन सा शायरी होगा, तो सैड शायरी होगा या दर्द शायरी होगा या मोटिवेशनल क्वेश्चन होगा, तो आप जो है यहाँ पे इस प्रकार का जो है लेबल दे सकते हो, ठीक है। फिर अगली बार कोई सा भी पोस्ट लिखोगे तो यहाँ पे करना क्या है कि बस एक बार जो है टिक करना है, जैसे कि मैं कोई सा भी पोस्ट यहाँ पे लिखूंगा, बस एक बार टिक करना है और यहाँ पे लेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल डबल हो गया है, तो कोई बात नहीं, एक को जो है हम नीचे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेबल इसी चीज़ को बोला जाता है। अब सर्च डिस्क्रिप्शन जो होता क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो सर्च डिस्क्रिप्शन और लेबल को आपको लेके चलना है जो भी पोस्ट आप लिखते हो उसके अंदर में, ठीक है। बाकी किसी भी ऑप्शन को यूज करो या ना करो, बाकी लेबल और सर्च डिस्क्रिप्शन को आपको यूज करना है, जब ही आपका पोस्ट जो है वायरल होगा, रैंक होगा, गूगल के सर्च इंजन में आएगा, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझो। बाकी देखो सर्च डिस्क्रिप्शन डालने का दो तरीका है, एक तो आप जो है गूगल के अंदर में सर्च करके और जो भी चीज़ से रिलेटेड आपका पोस्ट होगा वो सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको आप डाल सकते हो सबसे नीचे। बाकी एक तरीका और भी है। अब दूसरा तरीका ये है सर्च डिस्क्रिप्शन डालने का कि आपको जो है कीवर्ड टूल जो है यूज करना है, ठीक है। आपको कोई चीज़ का टेंशन ही नहीं रहेगा कि कीवर्ड कहाँ से लेके आना है, ठीक है। फिर गूगल पे सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो है आप क्लिक करके डायरेक्ट जो है कीवर्ड को जनरेट कर सकते हो बस एक क्लिक में, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कीवर्ड को कैसे जनरेट करना है, तो उसी कीवर्ड को जनरेट करके उसके बाद आपको जो है सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में डालना है, और आपको जो है जैसे कि मैं ब्लॉगर के अंदर में बताया हूँ, वेबसाइट के अंदर में मेटा टैग जो सर्च डिस्क्रिप्शन होता है वो अलग होता है, और पोस्ट का जो सर्च डिस्क्रिप्शन होता है वो अलग होता है। पोस्ट का सर्च डिस्क्रिप्शन अगर सही से डालते हो तो आपका पोस्ट जो है रैंक करेगा, गूगल के सर्च में आएगा। अगर आप जो है मेटा टैग सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में अगर आप जो है कीवर्ड को डालते हो तो आपका जो है वेबसाइट ही पूरा जो है सर्च इंजन में आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इस पेज पर आना है, ठीक है। ये जो है कीवर्ड टूल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीवर्ड टूल ऑल इन वन, यहाँ पे जो है गूगल के लिए, यूट्यूब के लिए, बिंग, अमेजन, ईबी, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी के लिए आप जो है कीवर्ड को जनरेट कर सकते हो। तो इस पेज का लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक जैसे ही करोगे तो डायरेक्ट आप जो है इस पेज पे आ जाओगे। तो इस पेज पे आने के बाद आपको करना क्या है, ब्लॉगर के लिए कीवर्ड को जनरेट करना है आपको, ठीक है। कीवर्ड और सर्च डिस्क्रिप्शन और टैग तीनों एक ही चीज़ को बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि गूगल कीवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपका जो भी कंट्री हो वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया इंग्लिश है, तो मैं इंडिया इंग्लिश ही रहने दूंगा। अगर हम जो है ब्लॉगर के लिए कीवर्ड को जनरेट करेंगे तो यहाँ गूगल पर क्लिक रहने देंगे, अगर यूट्यूब के लिए जनरेट करेंगे तो यूट्यूब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, गूगल पर ही क्लिक रहने देंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑनलाइन अर्निंग। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने लिख दिया ऑनलाइन अर्निंग, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च पर और यहाँ पे हमारे सामने में कीवर्ड आएगा यानी सर्च डिस्क्रिप्शन आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सेलेक्ट करके और हम जो है सर्च डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कीवर्ड को। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक चीज़ और भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन अर्निंग साइट, ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट, ऑनलाइन अर्निंग विथआउट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सर्च वॉल्यूम, तो इस पर कितना सर्च हो रहा है 9900, और इस पर कितना सर्च हो रहा है ऑनलाइन अर्निंग विथआउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे 22200 और इसका रेटिंग देख सकते हो ट्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका सीपीसी कितना है, तो इसका सीपीसी 39 है, फिर 45 है। इस पे कंपटीशन कितना है, तो हाई कंपटीशन है, ठीक है। काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि देखो यहाँ पे जितना भी कीवर्ड है ना,
आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी कीवर्ड आपको सही लगेगा। बस यहाँ पे करना क्या है कि टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि 254 कीवर्ड आपके पास आया है, ठीक है। आप जो है 254 कीवर्ड को नहीं डाल सकते हो, आप जो है सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में 150 वर्ड आप जो है डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 150 ही वर्ड आप जो है सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से टिक कर लेना और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना साइड में, और यहाँ कॉपी टू क्लिक बोर्ड पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे ये क्लिक होने के बाद आपको करना क्या है कि नोट पैड के अंदर में रख लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो है नोट पैड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस पे हम करेंगे क्या कि पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे से क्या कर सकते हो कि इस तरीके से जो है कॉपी करके, और यहाँ पे जो है कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, इस पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, या नहीं तो हम जो है कॉपी कर ही लिया। यहाँ पे क्लिक करके क्लिक कॉपी टू क्लिक बोर्ड पे क्लिक करके, तो आप जो है क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो है सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट आके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चलिए मैं पहले ही से सर्च डिस्क्रिप्शन दे रखा हूँ, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसी तरीके से सर्च डिस्क्रिप्शन देना है, मेटा टैग सर्च डिस्क्रिप्शन में भी देना है, और आपको पोस्ट के सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में ही देना है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मेटा टैग सर्च डिस्क्रिप्शन जो होता है वो अलग होता है। जिस तरीके का आपके वेबसाइट का नाम होगा उसी प्रकार का जो है सर्च डिस्क्रिप्शन आपको देना है। बाकी पोस्ट जिस हिसाब का होगा उसी प्रकार का जो है आपको यहाँ पे पोस्ट के अंदर सर्च डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लेबल को लेके आपको चलना है, जो भी आपका लेबल हो पोस्ट का वो लेबल देके चलना है। तो जिस तरीके से हमने बताया है उसी तरीके को यूज करना, तभी आपका वेबसाइट सही चलेगा, क्योंकि वेबसाइट को चलाने का तरीका ही यही है जो हमने आपको बताया है। बाकी ये जो है कीवर्ड टूल है, तो इसका लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके जो है आप क्या कर सकते हो कि कीवर्ड को जनरेट करके अपने पोस्ट को, अपने वेबसाइट को गूगल के सर्च में ला सकते हो। तो चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।